नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश सागर सिविल लाइन थाना अंतर्गत 1 अगस्त को विच्छित अवस्था में मिले एक युवक के शव के मामले में पुलिस ने उसकी हत्या के आरोपों में दो युवकों को गिरफ्तार कर मामले पर बड़ा खुलासा किया। मृतक के हाथ पर अंकित नाम लिखा था, जिस पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू किया। पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद इस अंधे कत्ल का खुलासा हुआ। मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके कॉल डिटेल के साथ ही आसपास के लोगों से जुटाई जानकारी के आधार पर उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने शराब के नशे में 29 जुलाई को मृतक की पत्नी को लेकर अश्लील कमेंट किया, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद इन्हीं दोस्तों ने चाकू और तलवार से वार कर मृतक के सिर को पत्थर से कुचल कर हत्या कर दिया। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए डीएसपी अमृता दिवाकर ने बताया कि लाश पूरी तरह छद विछत स्थिति में मिलने के कारण मौके पर मृतक के हाथ में लिखे एक नाम को साक्ष्य के तौर पर सोशल मीडिया से जानकारी इकट्ठा कर उसकी शिनाख्त में मदद मिली। मृतक की पहचान नंदकिशोर अहिरवार निवासी खुशीपुरा के रूप में की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर और पेट में और सीने में चोट के कारण मौत होने से पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल के साथ तफ्तीश में लोगों से मिली जानकारी के आधार पर उसके साथ देखे गए जितेंद्र अहिरवार और गोविंद यादव को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की और उन्होंने वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। डीएसपी के मुताबिक वारदात के पूर्व तीनों ने पहले जमकर शराब पी और एक मोटरसाइकिल से घूमने पथरिया जाट से आरटीओ मार्ग तक पहुंचे, जहां नंदकिशोर की पत्नी को लेकर जीतू और गोविंद ने अश्लील बातें कही, जो मृतक नंदकिशोर को बर्दाश्त नहीं हुई और उनका झगड़ा हो गया। वहीं पर आरोपी जीतू और गोविंद ने चाकू और तलवार से वार कर नंदकिशोर को लहूलुहान कर दिया और सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद वे भागकर मोटरसाइकिल से बरनाम चले गए। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस टीम ने जिस शिद्दत से कड़ी तफ्तीश कर मालूम साक्ष्य के आधार पर अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है, वह निश्चित ही सिविल लाइन पुलिस टीम की कड़ी मेहनत को उजागर कर रहा है और बेहद काबिले तारीफ है। पुलिस की बेजोड़ मेहनत के परिणाम स्वरूप वारदात को अंजाम देने वाले अब वह अपने गुनाहों की सजा सलाखों के पीछे काटते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैसी की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। काफी छत हाल थी, इसकी पहचान के लिए इसका चेहरा नष्ट कर दिया गया था तो और भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके हाथ में एक विशेष लड़की का नाम जो था लगा हुआ था, उसके तहत हम लोगों ने जो है इसमें अपना जो व्हाट्सएप और साइबर की मदद ली। इसमें कुछ लोगों का इसमें पॉइंट आउट बताया गया कि ये व्यक्ति जो है इसका नाम नंद किशोर डहुआ पिता उर्फ भगवान दास अहिरवार है, जो कि खुशीपुरा गोपी नगर थाने का रहने वाला है। इसके नाम जानने के बाद इसकी CTR वगैरह की गई, लोगों से पूछताछ करने में पता चला कि 29 रात को ये जो है अपने दो दोस्तों के साथ घूमता हुआ पाया गया था। आगे की जब आरोपियों तक पूछताछ की गई तो पता चला हमें कि इसके जो दो दोस्त थे, एक जितेंद्र अहिरवा जो कि गुरु गोविंद से वार्ड का रहने वाला था और एक गोविंद यादव, इन दोनों के साथ ही उस दिन घटना दिनांक को घूम रहा था और इन लोगों ने अत्यधिक शराब पी हुई थी। इसके बाद जब ये लोग यहाँ RTO कार्यालय के आसपास घूम रहे थे तो पत्नी को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ। इन दोनों दोस्तों ने मृतक की पत्नी के बारे में कुछ अश्लील बातें की, उससे इनका लड़ाई झगड़ा चालू हुआ। दोनों आरोपियों के पास क्रमशः तलवार और एक के पास छुरा था, जिससे उन्होंने जो है इसका मृतक का पर हमला किया। बाद में उसका पत्थर से जो है सब कुछ हो गया।